नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। आज हम लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है हमारी, उसका वीडियो नंबर 6 फॉर LTE लेक्चरर NDA एंड ऑल टीचिंग रिलेटेड एग्जाम उत्तराखंड एंड ऑल अदर स्टेट। सो दोस्तों, उस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? इन मल्टीप्लीकेटिव प्रोबेबिलिटी विद इवेंट ए एंड इवेंट बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये लास्ट टाइम जो LTE का पेपर हुआ था उससे ये क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मल्टीप्लीकेटिव प्रोबेबिलिटी विद इवेंट ए एंड इवेंट बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो इंडिपेंडेंट पे भी आ सकता है और नॉट इंडिपेंडेंट। सो दिस टाइम वी हैव नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हुआ। अगर इंडिपेंडेंट होते तो वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। तो क्या कह रहा है? अब आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या कहती है? वो कहती है कि पी ए एंड बी, वो कहती है आपके पास क्या कहती है कि देखिए आप इसको समझिए। वैसे इसका ऑप्शन सी जो है, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही है, इसका आंसर ऑप्शन सी। क्यों है अब मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर आप इसको समझेंगे तो इसको आप ऐसे समझें, कैसे कि हमें पता है कि पी ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होता है? अगर मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो ये होता है हमारे पास पी ए डॉट पी बी ऑब्लिक ए। ओके गाइस, ये होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप इज इक्वल टू पी बी और इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा। अगर ए बी यहां लिखा है तो ये आ जाएगा ए ऑब्लिक बी। तो ये ध्यान रखना। तो अगर आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो उस केस में क्या होता है? अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये जो पी, ये जो हमारा होता है पी बी ऑब्लिक ए, ये किसके बराबर हो जाता है? दिस इज इक्वल टू पी बी। किसके इक्वल हो जाता है? दिस इज इक्वल टू पी बी। एंड पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू हो जाता है पी ए। ओके गाइस, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस केस में हो जाएगा पी ए एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये पी ए हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? पी बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, समझ में आ रहा है? और ये वाला हो जाएगा आपका कितना, दूसरा वाला हो जाएगा आपके पास पी बी डॉट पी, और ये कितना हो जाएगा पी ए। तो ये हो जाएगा, लेकिन ये कब? जब इवेंट इंडिपेंडेंट हो। बट दिस टाइम वी हैव नॉट इंडिपेंडेंट। क्या दे रखा है उसने कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो जब ये वाला ऑप्शन है फिर क्या, पी ए पी, अगर यहाँ ए है तो यहाँ ऊपर बी आएगा है, और अगर यहाँ बी होगा तो यहाँ ऊपर ए आएगा। तो क्योंकि इस वाले ऑप्शन में कैसा था, ये भी है लेकिन यहाँ ए है और यहाँ ऊपर भी ए ही है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, पी ए डॉट पी बी ऑब्लिक ए। ओके गाइज, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार भी आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो ये देखिए आप, मैं बताता हूं आपको कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला है हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, वैसे मैंने इस पे पूरा एक वीडियो बना के डाला हुआ है चैनल पे, अगर डिटेल में चाहिए होगा तो वहां भी आप देख सकते हैं। तो ये मैं बता देता हूँ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एंड देन मॉडुलस वैल्यू ए एन प्लस 1/an। ओके गाइस, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर r लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और ये हो जाएगा आपका an/an+1। ओके, तो इसका मतलब आप पहले an/an+1 निकालिए। तो an क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। तो an होता है ये जो zn का कॉफिशियंट है, दैट इज n^n। तो यहाँ पर an कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास an हो जाएगा हमारा, an इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, an इज इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन
एन रेज टू द पावर एन। ओके गाइस, ये है आपके पास कितना, ये जो एन फैक्टोरियल अपॉन एन रेज टू द पावर एन, तो ये आपका ए एन आ गया। और आपको क्या चाहिए, ए एन प्लस वन भी निकाल दीजिए। तो ए एन प्लस वन अगर आप निकालते हैं तो ए एन प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन की होल पावर एन प्लस वन। ओके गाइस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एन प्लस वन फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं एन प्लस वन एंड एन फैक्टोरियल अपॉन, और एन प्लस वन की होल पावर एन प्लस वन को आप लिख सकते हैं कितना, एन प्लस वन की पावर एन इंटू एन प्लस वन। ओके गाइस, तो इस एन प्लस वन से ये एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन की पावर एन। ओके गाइस, सो आपको क्या चाहिए, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन कितना आपके पास, एन फैक्टोरियल अपॉन एन रेज टू द पावर एन, और ये हो जाएगा आपके पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन की पावर एन। तो इस एन फैक्टोरियल से ये एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, एन प्लस वन की होल पावर एन इज इक्वल टू एन रेज टू द पावर एन। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, इसको लिखेंगे आप एन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन। ओके गाइस, तो लेकिन कितना है, आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और कितना है हमारे पास, कितना है, ये हो जाएगा आपके पास ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा। तो अब आपके पास कितना आ गया, ए एन प्लस वन का वैल्यू आ गया वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, और लिमिट लगाने पर ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई, वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, और ये वैल्यू होती है किसके इक्वल, दिस इज इक्वल टू पूरी वैल्यू जो ये है हमारी, दिस इज इक्वल टू ए। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए। सो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, देन थर्ड क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन भी है, इफ एफ आर टू आर बी अ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स माइनस फाइव इज इक्वल टू विल बी। तो आप देखिए कैसे क्या करें, पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन वन वन कब होता है। ओके, फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्स, फंक्शन का इनवर्स हम निकाल कब सकते हैं, फंक्शन का इनवर्स कब निकाल सकते हैं, फंक्शन हैविंग अ इनवर्स कब होता है, फंक्शन का इनवर्स जब फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन का वन वन, फंक्शन एफ इज वन 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 वन, एफ इज वन वन एंड एफ इज ऑन टू, जब एफ क्या होगा, वन वन होगा और ऑन टू होगा, ये दोनों कंडीशंस को वेरीफाई करेगा तभी आप फंक्शन का इनवर्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब आप यहां पर देखिए फंक्शन क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, क्या दे रखा है गाइस, आप देखिए फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी ये दे रखा है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है हमें, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन ये दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आप और मैपिंग क्या दे रखिये, रियल नंबर टू रियल नंबर, क्या दे रखिये, रियल नंबर टू रियल, तो रियल टू रियल दे रखिये, तो इसका मतलब डोमेन भी रियल हो सकता है, और यानी कि आपका अगर आप क्या करते हैं एफ ऑफ माइनस वन ले सकते हैं, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू, और अगर आप एफ ऑफ वन लेते हैं तो वन का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज टू। सो टू डिफरेंट एलिमेंट हैविंग अ सेम इमेज, दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज क्या आ गई आपके पास, सेम आ गई। ओके गाइज,
टू डिफरेंट एलिमेंट हैविंग अ सेम इमेज आ गई, दो अलग अलग एलिमेंट माइनस वन और प्लस वन की इमेज क्या आ गई, सेम आ गई टू, तो ये वन वन नहीं है। तो जब वन वन नहीं है तो ऑन टू को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले वन वन होना चाहिए फिर ऑन टू होना चाहिए, तब आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो जब इसका इन्वर्स ही नहीं निकल सकता तो इसके एफ इन्वर्स माइनस फाइव की वैल्यू नहीं निकलेगी, सो योर ऑप्शन इज डी इज इक्वल टू फाइव इज करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू फाइव। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप चैनल पे ये फंक्शन पर भी अलग से पूरा डिस्क्रिप्टिव में वीडियो डाले हुए हैं, लगभग एलटी के सारे टॉपिक्स पर चैनल में डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन वो जैसे इंटर बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उस टाइप की प्लेलिस्ट में वहां पर मेंशन है, तो आप प्लेलिस्ट से भी वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाता रहूंगा, और दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का, और थैंक यू।